कटनी बरही थाना अंतर्गत तैयब नगर में युवती की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने चौथे दिन हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पुलिस से प्राप्त जानकारी मुताबिक ग्राम भोलहरा थाना ब्योहारी की रहने वाली 20 वर्षीय युवती अपने प्रेमी मंटोलिया निवासी भयालाल से खन्ना बंजारी स्टेशन में मिली थी। दोनों ने साथ में भोजन किया, बरही पहुंचकर बाजार से खरीदारी भी की और फिर स्टेशन पहुंचकर दोनों आउटर में गए। इसी बीच युवती के मोबाइल में किसी का कॉल आया। बिमलेश नामक युवक का नाम सामने आते ही युवती का दूसरा प्रेमी होने के संदेह में आक्रोशित भैयालाल ने गला दबाकर युवती को मौत की घाट उतार दिया। गौरतलब है कि खन्ना बंजारी रेलवे स्टेशन के समीप 4 दिन पहले एक युवती की झाड़ियों में लाश मिली थी। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज केडिया के दिशा निर्देश और विजय राघवगढ़ एसटीओपी शिखा सोनी के मार्गदर्शन में बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची अपनी पूरी टीम के साथ मामले की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए थे। बरही पुलिस द्वारा मृतका की फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की गई थी। मृतका के पिता ने ब्योहारी थाना पहुंचकर गोमंसान कायम कराया था, जहां से उसने फोटो की पहचान करते हुए बरही पुलिस से संपर्क स्थापित करते हुए मृतका की पहचान अपने बेटे के रूप में की। वहीं आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मृतका का मोबाइल भी ले गया था और उसी मोबाइल से मृतका की बहन को फोन कर हत्या करने की बात बताई थी। बरही में एक युवती की जघन्य एवं सनसनीखेज तरीके से हत्या हुई थी, जिसकी सूचना हमको 7 तारीख को प्राप्त हुई थी शाम को। उसके बाद उसका हम लोगों ने पीएम कराया। पीएम के उपरांत हमको पता चला कि उस युवती की हत्या गला घोट के की गई है, क्योंकि एक युवती की हत्या थी और उस युवती की कोई पहचान नहीं हो पा रही थी, तो ये हम लोगों ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और चुनौती के रूप में स्वीकार करने के बाद हमने आसपास के सभी जिलों में उस युवती का फोटोग्राफ भेजा। फोटोग्राफ भेजने के बाद कल हम लोगों को इसमें जानकारी प्राप्त हुई कि लड़की ब्योहारी की, शहडोल ब्योहारी की रहने वाली है और उसके परिवारजनों ने आके युवती को पहचाना, उसके कपड़े पहचाना, फोटोग्राफ को पहचाना और अब हम लोगों ने उसके शव का भी उत्खनन एसडीएम से नियमानुसार परमिशन करा के उनके हैंडओवर की कार्रवाई भी करवा रहे हैं। जब हम लोगों को लड़की का पता चल गया तब हम लोगों ने उस लड़की के बारे में पता किया तो हमको एक सुराग बहुत इम्पोर्टेंट मिला कि घटना में मृत्यु दिनांक के बाद एक उसकी बड़ी बहन को एक मैसेज हुआ था। वो मैसेज से हमको उसमें उसकी बहन का नाम संबोधित था। उससे हमको पता चला कि जो भी आरोपी है वो इनको जानता है। वहाँ से हमको आरोपी तक पहुँचने में सफलता मिली। भैयालाल गराड़ी पपोंद जिला शहडोल का रहने वाला है, उसके द्वारा घटना घटित करना स्वीकार किया। सारे साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इन दोनों के पीछे क्या कुछ मामला था, लड़का या लड़की? दोनों ही हमारे जिले के नहीं थे, पर लेकिन दोनों की अच्छी गहरी जान पहचान थी। और इसमें ये भी बात निकल के आ रही है कि जो आरोपी है उसको ये शक था कि मृतिका किसी और के साथ भी उसके नजदीकी संबंध। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।